तो चाहूंगा कि एक बार आपका चरण स्पर्श करके और आपसे आशीर्वाद लूं सर। प्लीज, हम लोग में कल्चर है सर। अरे नहीं सर, आप नहीं करी, हम लोग में कल्चर है, हम लोग की ये संस्कृति है कि ऐसा करते हैं, क्योंकि आप सचमुच श्रेष्ठ हैं सर। आप मुसलमान होकर के रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, भगवद गीता पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं तुलसीदास जी की, और तो मैंने बताया कि देखिए एक मस्जिद है, एक नॉन मुस्लिम उसमें नहीं जा सकता, वो डरेगा कि ये स्पेशल ये मुस्लिम के लिए, और मुस्लिम जो है मंदिर में नहीं जा सकते, वो डरेंगे कि नहीं ये तो हिंदू के लिए है। लेकिन एक कोचिंग संस्थान, एक स्कूल ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सभी धर्म के बच्चे आते हैं, और हमारा जो देश है अभी वर्तमान में धर्म के नाम पर टूट रहा है। अंग्रेज 200 वर्ष तक इस देश पर शासन किए, इस देश को आज़ाद तो कर दिए, लेकिन मानसिक रूप से हमको अभी तक गुलाम बना कर रखे हैं अंग्रेज लोग। अपनी जो मानसिकता है जो हिंदू मुस्लिम वाला, वो छोड़कर यहाँ पे चले गए। तो इसी के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से हम बच्चों को ये बुक इसलिए पढ़ते हैं ताकि बच्चों को आपस में हम जोड़ सकें। हम तोड़ने के लिए इस बुक को नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि धर्म का काम ही है लोगों को आपस में जोड़ना, तोड़ना नहीं। मैं रामचरितमानस पढ़ रहा था तो उसमें एक श्लोक मिला कि गुरु ऐसा होइए जो शिष्य से कुछ नहीं ले, गुरु ऐसा होइए जो शिष्य से कुछ नहीं ले, और शिष्य ऐसा होइए जो गुरु को सब कुछ दे। यहाँ के काम देख के लागत है कि हमने के आवे वाला भविष्य और आने वाला पीढ़ी जौन बाटे ये बिल्कुल सुरक्षित बा। और बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूर्व, डॉक्टर कॉलोनी सिवान। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। नमस्कार, हम रोहित रवा देखनी मैच बॉक्स, अभी मैच बॉक्स की टीम डॉक्टर रामेश्वर कुमार जी के पास मौजूद भी है। और वह जैसे कि पता बा कि जन शिक्षक अदनान वानी वहाँ के विशेष उपलब्धि खातिर यहाँ के डॉक्टर रामेश्वर जी सम्मानित करनी, और चर्चित समाजसेवी बीके खान जी मौजूद बनी। लगातार देखते दी कि डॉक्टर की टीम के द्वारा यहाँ के उत्कृष्ट उपलब्धि खातिर, यहाँ के गरीब असहाय बच्चा खातिर सम्मानित कर जाता कि ऐसा बहुत कम ऐसा शिक्षक होला लो जन समाज में समर्पण के भावना रखला लो गरीब खातिर। सर का कहे के चाहे हम उपलब्धि खातिर? मैं भाई शिक्षक का अदनान जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ कि वो समाज के लिए, बच्चों के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं। वो बच्चों को अपने गांव में और आजू बाजू के गांव के भी बच्चों को लगभग 250-300 बच्चों को मुफ्त शिक्षा देते हैं। और जैसे ही मुझे पता चला ये बिकी बाबू के माध्यम से कि कैसे शिक्षक हैं जो जीरादेही के एरिया में पूरा काम करते हैं, तो मैंने उनको बुला के और अपने हॉस्पिटल में उनको सम्मानित किया। क्या जैसे सर वो लगा था कि ऐसा युवा पीढ़ी के और भी आगे आएगा चाहिए, और भी लोग के मतलब जे असहाय बच्चा बट ओकरा के पढ़ाई के चाहिए? जी बिल्कुल लेंगा। ये एक तरह से कहीं ना कहीं यहाँ के जौन कार्य बाटे ये हमारा खातिर प्रेरणा बाटे, और हमारा जैसा बहुत सारा लोग खातिर प्रेरणा बा। और आजकल हम देखते हैं कि बच्चा लोग में कि बहुत सारा बच्चा लोग बाटे कि जो बहुत ही अच्छा काम करता टे, एक तरह से समाज से जुड़ के काम करता टे। और अगर यहाँ लोग के जैसा यहाँ के काम देख के लागत है कि हमने के आवे वाला भविष्य और आने वाला पीढ़ी जौन बाटे ये बिल्कुल सुरक्षित बा। और खुद भी बहुत लोग के मार्गदर्शित करता है जो अपना से कम उम्र के बाटे। हमारा लागत है कि हमनियों के ही मार्गदर्शन खातिर वो काम बाटे कि इतना कम उम्र में इतना समर्पण से त्याग से इक्वली काम कर, इतना आसान बात नहीं है। अच्छा, देखा जाए कि शिक्षा के व्यापार भी बना दल गए बटे, खाली फीस पर फीस ले जाला, गरीब असहाय बच्चा बालो ऊ जला लो तो ओकरा खातिर देखा जाए कि जन देवे के चाहिए ना दे पाए ला लो। का शिक्षक के प्रकार के कार्य करे के चाहिए कि अलग से भी निःशुल्क से असहाय बच्चा लोग के पढ़ाए के चाहिए, लिखाए के चाहिए? देखिए शिक्षा तो हमेशा से
मैंने सबसे बड़का दान रहल बटे और शिक्षक के भूमिका चाहे केहू भी रूप में रहल बटे ये बहुत ही उत्कृष्ट रहल बा जे भी आज बड़ा बटे हम जो पोजिशन बानी कोनो न कोनो शिक्षक के और कोनो कोनो गुरु के योगदान बटे ये दोसर बात बटे कि कुछ लोग पैसा लेके करता थे और कुछ लोग मुफ्त करता तो मुफ्त से तो हमेशा एगो प्रेरणा मिलेला लेकिन सांसारिक जीवन तो रोड़ो जानता नहीं कि रोड़ो एगो एक बार चलाओ तो नहीं अथी करता नहीं अगर देखल जाओ तो हर काम ही सेवा के काम बा दोसर कोनो कामे नहीं है कोनो ऐसा काम नहीं बता सकत कि जौना से मानवता के सेवा नहीं के हो केहू जौन काम करता थे लेकिन सबके रोजी रोटी बाटे तो हम ऐसे नहीं कह सकत कि जो पैसा लेके करता वो खराब करता थे लेकिन सब में ये होके के चाहिए कि समाज खातिर गरीब खातिर जितना ओकरा से संभव बाटे ओकर जितना कैपेसिटी बाटे ओकरा करे के चाहिए लेकिन यहाँ के जैसा आदमी तो कहीं ना कहीं सब लोग खातिर प्रेरणा के स्रोत बा और एक खातिर हम कोटि कोटि नमन यहाँ के वंदन और प्रणाम करते हैं कि यहाँ के ऐसा काम करते हैं बाबू का कहे के चाहते नहीं। देखिए सबसे पहले आपके फैन फॉलोअर्स को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपको इस मकाम पर पहुँचाएँ जहाँ पर जाने की ज़रूरत है आप वहाँ पर जाते हैं और सच्चाई दिखाते हैं और हमारे बड़े भाई जीरा देवी के लोकप्रिय टीचर हैं एक जैसे फादर और सन में जैसे बाप बेटा में जो मोहब्बत होता है वैसे ही वहाँ पे टीचर और स्टूडेंट में होता है। तो ये सब देखने के बाद आपने मेरे फेसबुक आईडी से देखे होंगे कि इनको इनके स्कूल पे जाके मैंने कोचिंग पे जाके सम्मानित किया अपने फेसबुक आईडी से छोड़ा भी हूँ तो बहुत अच्छा लगा और मुझे जैसे भी पता चला तो सिवान में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं सिवान में अपने लेकिन सबसे हमारे हिसाब से अगर बेस्ट में कोई है ना सर तो श्री साई हॉस्पिटल के डायरेक्टर आदरणीय हमारे गार्जियन तुल्य डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी हैं इसलिए इनको मैंने बताया तो इन्होंने मैं देखा हूँ कि बहुत गरीब असहाय लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं तो हॉस्पिटल के माध्यम से बहुत सारे लोगों का होता ही है साथ ही साथ गरीब लोगों को बहुत मदद करते हैं तो इनको मैंने बताया सर ऐसे ऐसे हैं यहाँ पे अदनान सर हैं जीरादेई में तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं तो सर हमको बताएं कि बाबू उनको हॉस्पिटल पर जितना जल्द हो सके आप लेकर आइए उनको हम सम्मानित करेंगे तो तहे दिल से सर को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि सब में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और मनोबल बढ़ाते हैं। अब इनसे क्या होगा और ये चाहेंगे कि हम और अच्छे कार्य करें जीरा देवी से हटकर सोचेंगे कि अब चारों तरफ क्षेत्र में करें और ये फैलाने जा रहे हैं कोचिंग अपने तो इसलिए मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अपना कीमती समय निकालकर सर को यहाँ पे सम्मानित और मुझे भी और ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं दिलशेर बाबू इनको भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं ये तो इनको भी सम्मानित किए तो इसलिए सर को मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या बोलना चाहेंगे सर आज सिवान के बेस्ट डॉक्टर ने आपको सम्मानित किया? बहुत हमको खुशी हो रहा है कि जो सिवान के सबसे बड़े डॉक्टर हैं हड्डी के डॉक्टर और डॉक्टर रामेश्वर साहब जो हमको सम्मानित किए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बिक्की भैया अभी बता रहे थे आप डॉक्टर साहब से बताए थे मेरे बारे में कि गुरु शिष्य की जो परंपरा थी भारतीय संस्कृति वो आज देखने को हमको मिला। ये गए थे हमसे मिलने के तो देख रहे थे कि बच्ची सब हमारे कपड़े को धो रही थी लोग तो वही देखे तो इनको बहुत अच्छा लगा। तो जैसे एक टीचर का काम है स्टूडेंट को ये एहसास दिला दे कि यू आर स्पेशल फॉर फैमिली यू आर स्पेशल फॉर सोसाइटी यू आर स्पेशल फॉर कंट्री। आप अपने परिवार के लिए खास हैं आप अपने समाज के लिए खास है आप अपने देश के लिए खास है और स्टूडेंट टीचर को ये एहसास दिला दे कि यू आर स्पेशल फॉर मी आप मेरे लिए खास है। और मैं रामचरितमानस पढ़ रहा था तो उसमें एक श्लोक मिला कि गुरु ऐसा होइए जो शिष्य से कुछ नहीं ले गुरु ऐसा होइए जो शिष्य से कुछ नहीं ले और शिष्य ऐसा होइए जो गुरु को सब कुछ दे। यानी गुरु ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर लालच न हो वो लेने बच्चों से लेने के इच्छा न रखता हो और शिष्य ऐसा होइए जो कंजूस ना हो अगर कभी देखे गुरु में कोई चीज़ का कमी है उसको पूरा करे तन मन धन से तो अगर गुरु के अंदर से लालच खत्म हो जाए और शिष्य के अंदर से कंजूसी खत्म हो जाए तो गुरु और शिष्य की जो प्रेम है वो कभी टूट नहीं सकता। और यही चीज़ है कि मैं इस पर अमल करता हूँ रामचरितमानस की श्लोक पे और इसी वजह से बच्चे और टीचर में जो रिलेशन है वो आज तक टूटा नहीं। क्यों कटाक्ष ना कर लगे वो मुसलमान ही रामचरितमानस पढ़ाता है? नहीं हम हमसे एक आदमी पूछे कि आप मुसलमान होकर के रामचरितमानस पढ़ रहे हैं भगवद गीता पढ़ रहे हैं रामायण पढ़ रहे हैं तुलसीदास जी की और तो मैंने बताया कि देखिए एक मस्जिद है
एक नॉन मुस्लिम उसमें नहीं जा सकता, वो डरेगा कि ये स्पेशल ये मुस्लिम के लिए, और मुस्लिम जो है मंदिर में नहीं जा सकते, वो डरेंगे कि नहीं ये तो हिंदू के लिए है। लेकिन एक कोचिंग संस्थान, एक स्कूल ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सभी धर्म के बच्चे आते हैं, और हमारा जो देश है अभी वर्तमान में धर्म के नाम पर टूट रहा है। अंग्रेज 200 वर्ष तक इस देश पर शासन किए, इस देश को आज़ाद तो कर दिए, लेकिन मानसिक रूप से हमको अभी तक गुलाम बना कर रखे हैं अंग्रेज लोग। अपनी जो मानसिकता है जो हिंदू मुस्लिम वाला, वो छोड़कर यहाँ पे चले गए। तो इसी के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से हम बच्चों को ये बुक इसलिए पढ़ते हैं ताकि बच्चों को आपस में हम जोड़ सकें। हम तोड़ने के लिए इस बुक को नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि धर्म का काम ही है लोगों को आपस में जोड़ना, तोड़ना नहीं। तो जो जोड़ने वाली बातें हैं भगवद गीता से मैंने सीखा है, महाभारत मैंने पढ़ा, तो महाभारत से हमने यही सीखा कि जीवन में क्या नहीं करना चाहिए, और रामायण से हमने यही सीखा कि जीवन में क्या करना चाहिए, और भगवद गीता को मैंने पढ़ा तो भगवद गीता से मैंने यही सीखा कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। सर ऐसा शिक्षक का मानसिकता का क्या कह के चाहते हैं? बिल्कुल, मैं सलाम करना चाहता हूँ इस मानसिकता से। कहीं ना कहीं सर आए हैं यहाँ पे, सर की बातें आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाएँ, कैसे कि समाज में ऐसा बात के ऐसा लोग के जरूरत बटे, आ मार्गदर्शन यहाँ के पूरे समाज के करे खातिर जो एगो बात बोलनी है, शायद कहीं ना कहीं हमरो जहन में ये बात घुसल हटे और हम भी ये पर अमल करें कि सचमुच आप गुरु हैं। और गुरु ऐसा नहीं होता है कि केवल वो सबके लिए गुरु होता है, गुरु हमेशा श्रेष्ठ होता है। हम आज भी जैसे जाते हैं हम अपने बच्चों के स्कूल में, तो बहुत सारे टीचर लोग रहते हैं, तो हम लोग भी प्रणाम करते हैं उसको। शायद आप वो सचमुच उस गुरु योग्य हैं। मैं तो चाहूँगा कि एक बार आपका चरण स्पर्श करके और आपसे आशीर्वाद लूँ। सर प्लीज़, हम लोग में कल्चर है सर। अरे नहीं सर, आप नहीं करी, हम लोग में कल्चर है, हम लोग की ये संस्कृति है कि ऐसा करते हैं, क्योंकि आप सचमुच श्रेष्ठ हैं सर। आदमी पैसा से, धन से और इससे नहीं श्रेष्ठ होता है, अपने कर्मों से, अपने सोच से श्रेष्ठ होता है। और इस श्रेष्ठता ही गुरु का लक्षण है, गुरु श्रेष्ठ होता है। और मैं सचमुच आपसे प्रभावित हुआ सर, रियली मैं बता रहा हूँ। हम अभी तक मिले थे विक्की बाबू के कारण, लेकिन आप में सचमुच वो ताकत है, वो व्यक्तित्व है जो नमन करने योग्य है, वंदन करने योग्य है सर। थैंक यू सर, थैंक यू।